नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ओं नमो भगवते श्रीराधाकांताय ओं नमो भगवते श्रीजगन्नाथाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नित्यश्चवो नित्यसख्यो नित्यश्री नित्यमंगल विवाहार्चित जगन्नाथ श्री वैकुंठपुराधीपः वैकुंठपुरर अधिपति महाप्रभु नीलाद्रिश नीलाद्रिनायक नीलाद्रीर अपूर्व श्री कोलकु मंडन करी महाप्रभु जो परमलीला को विस्तार करिचंती सेई भुज तले आम समस्त को आश्रा दियंतु बारंबार तंकर पाद तले प्रणाम करी आपण मान को स्वागत करुची आम कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा को भगवान सहित युद्ध करने हिरण्याक्षर प्रबल आग्रह भगवान को जाई धमकाणी दौची तमर आज भल गति ना जेतेबेले बुद्धि विपरीत हुए मनीष यहीपरी कार्य करे ये मनीषर रूप पाई किंतु बुद्धि असुर तेणु भगवान लीला को बुझी पारु नहीं भगवान को देखि कहुचि ए पंक बोली घुषुरी इतर जीवर रूप धारण करिछु तुम्हें कौन नारायण कि नारायण तुम्हें तुम सहित युद्ध करने को मोर इच्छा है जदि भल गति अच्छी ताले मो सहित युद्ध कर युद्धं देही श्रीमद् भागवत बड़ चमत्कार वर्णन दौंती अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर नवाक्षरी छंदर भाषा सप्रेम कहिवा बोले नंदनंदन भगवान की जय बोले बराह मुख चाही तोर बदने लज्जा नाही अरे तो लज्जा नहीं रे बराह देवंक ईश्वर बोलाऊ शुकर रूपे तू पलाऊ बोलिए शुकर भगवान की जय अरे गोटे शुकर रूप धारण करिचु दंतपंती रे धरणी की धारण करिचु आउ खरबर तरबर हो पल जाऊ रही जा रही जा भगवान टिके पछ बुली चाहिले धरणी समुद्र कोल दंतु थोइले विष्णु तले भगवान जो धरणी को धारण करिथिले धीरे समुद्र बक्षरे रखिले तापरे कौन हला निज मूर्ति गदाधर किय बा देवा पटांतर देखी सानंद देवगण करती पुष्प वरसण ब्रह्मादि देवगणे मिली स्तुति करती भुज तोड़ी असुर देव स्तुति शुणी कोपे कंपई शिर झुणी ताहार हस्ते गदा साजे कांचन कवच विराजे शुणी असुर दुर्वचन कोपे कंपिले भगवान भगवान निजस्वरूप को प्रकट कले अपूर्व रूप एपटे देवगण स्तुति करुचंती ब्रह्मादि देवता माने सेपटे आकाश मार्गरु प्रत्येक पुष्पवृष्टि करुचंती भगवान सुंदर पुष्प स्नान करुचंती दिव्य भव्य आनंदमय परिवेश भगवान ईषत क्रोध प्रकाश कले किए तु बदमास कटु वचन कही मोर लीला मोर कर्म को बाधा दौचु मैत्रेय महामुनि कहुचंदि विदुर हे मन देई सुण बड़ आनंददायक लीला श्री भगवान वाच तू मृत्यु पासे बद्ध होई विशेष कहु दंभ बही मरण मुखरे पड़िचु आजि से कथा को बुझी पारुनु एड़े एड़े बड़ वाक्य कहुचु असुर उद्देश्य रे भगवान कहुचंती प्रत्युत्तर कौन कहिले
करी तु आम्भर निधन तो युद्ध आशा कर पूर्ण हौ जदि भाविचु आमको मारि पकेबु आ आ गदा धरिकिरे आ आमको मारि पका तोर युद्ध करिवार आशा पूर्ण हौ आउ कौन भगवान कहिले प्रतिज्ञा पूर्ण जे न करे असाधु बोलांति संसारे आमे कौन करे आगे करी पकाए पछरे पछताए किछि करिवा पूर्वरु शहे थर चिंता कर विशेष करी प्रतिज्ञा जदि कल निष्ठार सह से प्रतिज्ञा उपरे कार्य कर विद्यार्थी माने आपण माने जदि प्रतिज्ञा करिवे विश्वरे एमिति कोनोसी ज्ञान नाही पुस्तक नाही जहाँ को आपण साधन न करि परिवे परीक्षा प्रार्थनीय आपण माने प्रतिज्ञा करी जदि लागि पड़िवे जे कोनोसी विद्या अछि ताको आपण हासिल करि परिवे सहजरे भगवान कहउचंदि प्रतिज्ञा पूर्ण जे न करे असाधु बोलांति संसारे संसारे से माने असाधु बोलांति तुम्हें कहीं असाधु हब प्रतिज्ञा करिछ मो सहित लड़ब मत मार आस आस आकाशे देवगण जेते देखी तो हर गदा हस्ते आकाश छाड़ी पड़ाइले मोहर समीपे मिलिले बाबूरे हिरण्याक्ष तू गदा धारण कले तु जो आकाश मार्ग गमन करू देवता माने छत्रभंग दियंती भयरे पलायन करती थोकाए आसी मोरी समीपर जुटी मोरी पाखरे नेहुरा होती बलियार तो कथा कहवाक अच्छी श्रीमद भागवत बड़ चमत्कार शब्द लिखुं भगवान निउ छाड़ी कहला भाया छिगुले कि कहला भाया कहते के ममते संग्राम न देवी पलाई कहीं बा पशी आ तो सहित तो न लड़िकी मत बाट अच्छी बापा हैं आ कौटी जा लुचबी कड़े पल कहते पुणी तोते मु संग्रामे नासीवी देवंकु संकटु तारीवी समय है गला आउ तोर निस्तार नहीं बहुत छिगुले कहुतले देखे सिखे कहुतले एबे सीधा सड़क कहिले देवता मानंकर उद्धार पाई तोते अवश्य मृत्युवरण करिबा को पड़िबो बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। आपण माने विचार करुथिबे कण भगवान खाली एतिकी कहिले नाई नाई आउ पदे आग को जाई श्रीमद भागवत रे भगवान केड़े सुंदर कथा कहिले गदा प्रहारी तोर हृदे गोविंद तोते स्थापी निज पदे एपरी दयालु किए अच्छी कंगवा दयालु शरणम ब्रजामह किए एमती अच्छी ये जो सुंदर सृष्टि ब्रजमंडल किए एमती दयालु अच्छी जी तांको सहित द्रोह करिवो तांको गाली गुलज करिवो तांको सहित लड़े करिवो फाइटिंग करिवो सी ताकु मारिकिरी निज पद देबे वैकुंठ पद निज पाद तले आश्रा देबे पद्म पादर आश्रा आहा केड़े भाग्यवान हिरण्याक्ष मैत्रेय महामुनि कहुचंति एमंते वराह वचने से हिरण्याक्ष कोपमने स्वभावे दुष्ट महावली गर्जयी हस्ते गदा तुली सबदे ब्रह्मांड कंपिला वराह अंगे प्रहारिला कंपिला कंपिकिरी भगवान को गोटे गदारे पहार पकेला तापरे कौन हला से हरी निज माया बोले दृढ़ प्रहार बंचाइले भगवान टे घुंची गले प्रहारटा देहरे बाजिलानी भगवान निज को बंचेले पुणी असुर गदा हस्ते मंडल गति शून्य पथे गदाटा को धरिकी शून्य रे बुले 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 बुले
माड़ी आसला भगवान आड़ गदा बुलई अति रोसे पिटिला विष्णु पृष्ठ देशे भगवान पिठी पटुआ कर गदारे गोटे पहार देला सुहिला वज्र घड़ घड़ी अधर दशने कामुड़ी से गदा बंचाई मुरारी दक्षिण भुजे गदा धरी पिटिले असुरर मुंडे वज्र जे सने गिरी खंडे पिठी जो पिटिया को आरंभ कला भगवान बंचे देले निजकु सेठ खसी पलै गले तत्क्षणात भगवान ओलट पड़िले ओलटी पड़ी गदा को उठेले एवं हिरण्याक्षर मस्तक उपरे विराट पहाड़े पकेले भागवत कहुचंती जे भली भावरे विशाल गिरी उपरे वज्रपात हो जाए वज्रपात रे गिरीर मथा खंड खंड ही चूर्ण विचूर्ण हो जाए ठीक परिस्थिति से उपजिला श्रीमद भागवतंकर शब्द पिटिले असुरर मुंडे वज्र जे सने गिरी खंडे ए ममते हरि हिरण्याक्ष समरे बेनी जन दक्ष बेनी सरीरे गदाघात शुभई जेने वज्रपात भागवत कहुचंती ये बलुआ को सीए बलुआ ये टाणुआ को सी टाणुआ कहीं क्या उणा पड़ू ना ये जो आघात गुड़िक वज्राघात पर शुभुचि सत किंतु परस्पर परस्पर उपर प्रहार करुचंती फलाफल किसी निष्कर्ष बाहर फलाफल कौन हम जिणीवा आसे अन्वे अन्य युद्ध करती कोप मने ए ममते हरि हिरण्याक्षे गदा प्रहारे जानु बक्षे फाटी बहई सुणीधार विशेष युद्ध महाघोर कदा विचित्र गति करी बेगे पिटंते कोप भरी शबद शुभई प्रचंड जेने जुझंती बेनी षंड ए ममत करी हिरण्याक्षे युद्धे मिलंती अंतरिक्षे मिलिले देव ऋषि मिले अंजलि निवेशी कपाले विधाता शून्य पथे थाई स्तुति करती विष्णु चाह युद्ध चली भगवान तार जंघरे तार भुजरे जो प्रहार कले फाटिगला मांसपेशी रक्त बहिला लड़े किंतु कमुनि थमुनि अंतरिक्ष मार्ग देवगण माने आसिले कुसुम वृष्टि कले कृतांजलि पुट हो मस्तक निजर हस्त को स्थापन कले भगवान को उद्देश्य रे प्रणाम कले भगवान कृपाळु केड़े कष्ट स्वीकार न करुचंती तांकर उद्धार पाई ब्रह्मा स्तुति करुचंती हे देव देव तो चरण हरि तो चरण आंभे जे पशिलु शरण हे देव देव तुमर पाद तले आमे शरण पशुचु ठाकुरे शरण पशुचु गुरु ब्राह्मण देवंकर अनिष्ट करई असुर उल्टे दिले कौन हबो जिए गुरु ब्राह्मण देवतांकर अनिष्ट करे से असुर ए असुर गुरु ब्राह्मण एवं देवता मानकर अनिष्ट करुची एक कथा नुह जिए गुरु ब्राह्मण देवतांकर अनिष्ट करे से असुर ए संसार रे वर्तमान असुरंक संख्या बढ़ी निजे बंचिवा पाई आमे अनेक गो ब्राह्मण इत्यादि पीड़ा दे चालीचे आमे अनेक देवतांकु कष्ट दे चालीचे आपण कबे देवता ने को मंदिर जाई को देवतांकु पिटुनु त आमे नाही नाही प्रत्येकंक अंतकरण रे हरि विराजमान अछंती आपण कायरे मनरे वाक्यरे काहाकु ना काहाकु केमिति ना केमिति कौठी ना कौठी कष्ट दौचंती निजे बंचिबा पाए एई गुड़ी के होची आसुरिक क्रिया सबुबेले अपर पक्ष को खुशी आ शांति देवा पाई चेष्टा कर आपण कही पारंती सी आसला मत मारुला मोठू छड़ौला मोबाइलटा छड़ौला मुझे खुशी दे बोली कहली मोबाइलटा नहीं घर पड़ा ना ना सेपरी कथा कहूना मु
आध्यात्मिक मार्ग कथा कह साधारण चलनी कथा कह साधारण जीवन में दैनंदिन जीवन में अपरपक्ष को खुशी देवाई चेष्टा करूँ सेवा को उल्टे दे हम बासे यदि सेवा करे आपण जीवन आपे आपे बास पांच पचीस लोक नुह लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोक दृष्टि आपण महनीय होजे कर शिखतु निर्भये गदा घेनी करे युद्धर अर्थे तीन पूरे भ्रमई एहु महारुषे बारण जेन्हे निरंकुशे सर्पर लांज धरी करे बालक जेन्हे क्रीड़ा करे एही माया भी दैत्य घेनी क्रीड़ा न कर गदा पाणी प्रभु आपण तो खेल प्रिय क्रीड़ा प्रिय आपण ये संसार खेल घर आम पाई किंतु काल घर ये समस्त काल हो जाऊँगी प्रभु आउ डेरी करंतु नाई पिला जमी सापटीए देखिले तार लांज को भिड़ी दिंती खेलती महाप्रभु आपण आउ खेली खेली किरी समय गड़ातु ना भगवान टी ब्रह्मा को चाहिले कौन कौन कहुच ताहले ब्रह्मा कहुचंदी दिन कु दिन ए बढ़ते के सुखे थीबे ए जगते असुर प्रवृत्ति असुर माया असुर शक्ति असुर वित्त जदि दिन कु दिन बढ़ुव सुखरे संसार रे किए रहिवो प्रभु असुरी बेला प्राप्त होई जाबत एही न बढ़ होई ताबत निज माया बोले ए दुष्ट नष्ट कर हेले आकु आउ रखना या माया उपरे आपण माया विस्तार करंतु हे माया धर निजर गदारे एहा कु संहर 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 देख ए संध्या विभावरी ए भूमि अंधकार करी आसोई महा घोर रूपे भोनाथ देख तो समीपे देख देख संध्यार समय हे महाप्रभु आउ अंधकार पर ये राक्षस आपण का आड़ को माड़ आसूची आपन टे चाहतु आंभ विपक्ष दीति बोला कि तोहर विष्णु लीला बेगे असुर एबे मार आंभर जय उदे कर प्रभु पूर्व वृत्तांत अनुजाई आंभे जानु ये तुमर विष्णु कला याठारे तुम्भे सदय तुम्हे या को उद्धार करने आसीच किंतु लीलारे जी समय अतिवाहित करूछ से समय आम पाई बड़ कष्टदायक हो प्रभु उद्धार कर मुहूर्त अभिजीत नाम सर्वमंगल शुभ धाम ए शुभ बेले चक्र धर आंभंकु संकट उद्धर एहार मृत्यु तु साक्षाते भाग्य मिलिला तो अग्रते शुभ बेला महेन्द्र बेला ये अभिजित नक्षत्र बेला सर्वमंगल शुभधाम समय ये यही समय रे मृत्यु बरण कले निश्चित रूप से आपण आशीर्वाद रे आपणकर विष्णु कला रे विमंडित थिबा आपणकर सेवक उद्धार पाइब प्रभु आउ डेरी करंतु नाही हेमंते असुरर लक्षी ऋषि देवता अंतरिक्षे अति विकले स्तुति कले बराह रूपी पाद तले से यज्ञ बराह चरणी सुजन चिंत अनुक्षणी अति बड़ी जगन्नाथ दास भाव आउ भक्ति रे गदगद हो जाउचंती विदुर मैत्रेय संवाद शुणी भगवान बराहंकर अपूर्व अवतार कथा हिरण्याक्ष बधर कथा शुणी शुणी प्रगल्भ हो कहते हो भगते अठर अध्याय सर उन्नीस अध्याय प्रवेश हे तेणु से यज्ञ बराह चरणी सुजने चिंत अनुक्षणी प्रति समय रे प्रति मुहूर्त रे चिंता कर तृतीय स्कंदे हरिवाणी संतोष श्रुति पथे शुणी हरिचरणे करस कह जगन्नाथ दास बोली अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर जय बोली आनंदे कबार हरि बोल ऊनविंश अध्याय प्रवेशर सुविधा मिलला सप्रेम कहवा बोलिए नंदनंदन भगवान की जय
मैत्रेय महामुनि कहुचंती हे विदुर भगवान ब्रह्मांकर स्तुति रे संतुष्ट हो गले गदगद चित्त हो गले एमंते ब्रह्मार वचन सुनि संतोष भगवान भगवान ब्रह्मांकर वचन को श्रवण करी आनंदित हेले आ कौन कले दक्षिण करे गदाधरी हुंकार ना दे दईतारी निर्भय देखी तानी कोटे प्रहार कले कर्ण तटे भगवान गदा को धरी हुंकार करी गोटे प्रहार पकई देले हिरण्याक्ष उपरे। अच्छा हिरण्याक्ष सी भी यार प्रतिकार करिया पई प्रस्तुत होकर थिला सी गदा बुलेकरी ओलट प्रहार जेतेबेले दे देला भगवान को हाथरु गदा खसी तले पड़गला। भगवान को हाथरु जेतेबेले गदा खसी तले पड़गला सेतेबेले विष्णु को हिरण्याक्ष चाहि हिरण्याक्ष चाहिला क्षत्रिय धर्मे विचार असुर भी धर्म अधर्म विचार कला कला क्षत्रिय धर्म कौन जहाँ हाथ आयुध नहीं ताकू मारिनी तेणु सी आष्णु आक्रमण कलानी एणे देवता माने प्रमाद गणिले कौन हो कौन हो भगवान कहले ता शुणी प्रभु गदाधर संभ्रमे तोलिबे नि कर दि हाथ टेकी देवगण को कहले बोलती देवगण चाह भय न कर तुम्हे कही ए मंते कही देवराज ऊर्धे तोलिले बेनी भूज दि हाथ टेकिकी भगवान कहले चिंता करिवार कौन सी कारण नहीं ये लीला मात्र असुर मन मन विचार करुची से बलियार होती आउ गदा युद्ध रे मते पराभूत करिवो भय करना भय करना एभली एक स्थिति रे देवगण माने काकुर्त काकुस्थ निर्मिवेश नयन रे भगवान को चाहि रही चंती कौन फलाफल हम जानिया पई अपेक्षा करिवा आगामी अध्याय पर्यंत सेतबेळ जाय सप्रेम कहुतांतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय।